अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन आलू का सालन है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। तो हाफ कप मैंने इसमें ऑयल लिया है। ऑयल में हमने डाली है 2 बड़े साइज़ की प्याज और हम इसको करेंगे कच्चा पक्का सा फ्राई। और फिर हम इसमें डालेंगे आलू। आलू अब इसमें मैंने तो 1 पाव से ज़्यादा लिए हैं, आप अगर कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। और आलू डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी आलूओं को, क्योंकि आलू थोड़ा देर से गलते हैं और बैंगन जो है वो ज़रा जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले आलूओं को गलाऊँगी। तो आलू फ्राई हो रहे हैं, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें मसाले जाएंगे। मसाले इसमें जाएंगे पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, सौंफ, साबुत धनिए, कलौंजी, ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि आलू जो है वो गल जाए। आलू को हमने फुल नहीं गलाना है, थोड़े से कच्चे होने चाहिए ताकि ये फिर बैंगन के साथ भी गलेंगे। तो बस इसको बहुत अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए गलाने के लिए रख दूँगी। इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, आलू हमारे गल जाए। तो आलू हमारे हाफ डन हो चुके थे, तो अब इसके अंदर मैं बैंगन डाल रही हूँ। बैंगन में छिलके बनाती हूँ, लेकिन मैंने इसमें हाफ जो है वो छीले थे और हाफ जो है मैंने बगैर छीले इसमें ऐड करे थे। बहुत अच्छा टेस्ट लगता है अगर आप छिलके इसको बनाएं। तो अब इसमें मैंने हरी मिर्चें और टमाटर भी साथ ही डाल दिए और इसको मैं दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसको मिक्स कर लेंगे टमाटरों के पानी में, और बैंगन भी थोड़ा पानी छोड़ते हैं तो वो इसी में गल जाएंगी बैंगन। तो इसको अच्छे तरीके से चलाऊंगी और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला और सालन जो है वो लगे ना। बस इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी। तो अचार ही आलू बैंगन जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, बिल्कुल अचार का इसमें टेस्ट आता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और उसको आप चावलों के साथ सर्व करिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में। अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया और इसको फिर डिश आउट करेंगे। और आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।